दोस्तों, मैं रोशन शाह शाह ऑटो गैरेज से। आज हम रिवर्स के बारे में बताएंगे आपको कि रिवर्स से क्या प्रॉब्लम होता है और क्या नहीं होता है। तो आज एक गाड़ी आई है हमारे पास जिसका रिवर्स काम नहीं कर रहा है। अगर गाड़ी फर्स्ट गियर में भी डालेंगे तो आगे जाती है। वो क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम होता है, वो आपको मैं आज बताऊँगा। और दूसरी बात ऐसी है कि कोई कोई गाड़ियों का रिवर्स का पिन पीछे से निकला हुआ रहता है, अचानक में निकल जाता है रिवर्स डालने निकालने में, तो वो गाड़ी फर्स्ट गियर में आगे भी नहीं जाती है, पीछे भी नहीं जाती है। कभी कभी गाड़ी क्या होती है, फिर निकली हुई रहती है, पीछे ऑटोमेटिक चलते रहती है। फर्स्ट गियर आगे भी डालेंगे आपको, फिर भी रिवर्स में गाड़ी चलती है। तो ये सब प्रॉब्लम रिवर्स के पिन की वजह से होता है। आज मैं आपको बताऊँगा रिवर्स का पिन किस तरह से डालते हैं। ओके, ये देखो, ये गाड़ी का रिवर्स का प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने आपको बताया अभी, और इसकी किस तरह से प्रॉब्लम देती है अपने को वो आप लोग ध्यान से देखो। अभी गाड़ी को मैंने रिवर्स उठाया है, और ये देखिए फर्स्ट गियर डालने के बाद भी आगे जा रही है गाड़ी। ये देखिए वापस से एक बार, ये देखिए। अब इसको अपन पीछे जाके देखेंगे हम लोग कि क्या प्रॉब्लम है। चलो आपको बताता हूँ। स्प्रिंग निकलने के बाद भी प्रॉब्लम होता है इस तरह से, जैसे पीछे की स्प्रिंग निकल जाती है झटके में, या तो उसका कट पिन निकल गया तो भी प्रॉब्लम देता है। ये देखो आप लोग को बताता हूँ मैं, स्प्रिंग लगी हुई है बराबर प्रॉपर जहाँ पे लगना है वहाँ पे, ये पिन निकला हुआ है। ये देखो ये पिन जो है ना यहाँ से निकल गया है। ये देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, गाड़ी को न्यूट्रल करने के बाद रिवर्स छुड़ाना चाहिए, लेकिन वो गियर में रिवर्स को आगे पीछे करते हैं तो पिन के ऊपर ज़्यादा लोड आने की वजह से पिन निकलता है। ध्यान रखिए, कभी भी अपने को रिवर्स छुड़ाना है या रिवर्स डालना है तो न्यूट्रल करके ही रिवर्स डालना है या तो रिवर्स छुड़ाना है, इसकी वजह से पिन अपना निकल जाता है। तो मैं ये जानकारी आपको दे रहा हूँ कि जैसे आपका पिन गिर गया, घूम गया, अभी आपको दिख रहा नहीं अभी क्या करना है अपने को, तो इस तरह से खड्डे को उसको मैच करना है अपने को कोई भी पतले पिन से। लोखंड का कोई भी पिन इसके अंदर डाल सकते हैं हम, हाँ इसके अंदर आर पार, फिर हम मैकेनिक के पास ले जाके कट पिन मार सकते हैं, पतला टेस्टर रहा या खिल्ला रहा पतला। ये देखो अभी अपने को अगर वो पिन मारना है, जैसे कि अभी मैं तो मैकेनिक हूँ तो मैं पिन मार के आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप लोग पिन नहीं मार सकते। तो ये देखो किस तरह से आपको फिटर के पास तक लेके आना है, मैकेनिक के पास तक। ये स्प्रिंग सबसे पहले निकाल लेना है, फिर स्प्रिंग निकालने के बाद उसका जो खाँचा है, जो खड्डा है, जो होल है उसका, वो दोनों को आपस में मैच करना है। उसके बाद वहाँ पर पिन लगाना है। ये हम लोग तो फटाफट कर देते हैं मैकेनिक लोग, लेकिन आप लोग को अगर करना पड़ा तो काफ़ी टाइम चले जाएगा इसके अंदर। बस तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि सीधा फिटर के पास ही फटक से लेके जाके वो काम करके इमरजेंसी में निकल जाना है। जूम मत कर, मोबाइल लेके जाना। देखिए ये पिन मैंने बिठा दिया हूँ, ये देखिए ये पिन हम लोग बिठा दिए यार पर। इस साइड ज़्यादा रखना है, अपनी तरफ ज़्यादा रखना है। क्यों? क्योंकि हम रिवर्स मारते हैं, जब आगे पीछे रिवर्स का डांडा करते तो पीछे की तरफ से निकल जाता है वो। अभी हमने पूरा बिठा लिया है इसको, रिवर्स का वायर भी सब लगा दिया है, स्प्रिंग भी। अभी देखो ये फर्स्ट गियर डाले आगे गई, ये देखिए अभी ये रिवर्स में हम चेक करेंगे, ये प्रॉपर हो गया है, प्रॉपर रिवर्स का एकदम परफेक्ट हो गया है काम। ओके।